हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आईकॉन फॉर मोर अपडेट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फाइलम प्लेटी हेलमिनथीज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टर्म की प्लेटी हेलमिनथीज, तो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट

पिछला भाग Clear? तो अगर हम इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये डॉर्सल और वेंट्रली बिल्कुल फ्लैट हैं, बिल्कुल चपटे हैं सो दैट्स वाई दे आर नोन एज प्लेटी हेलमिंथीज या फ्लैट वॉर्म्स सो so, इन ऑर्गेनिजम्स की अगर हम आ, देखें कि ये डॉर्सल और वेंट्रल दोनों तरीके से फ्लैट होते हैं सो so यहां पे दीज आर डॉर्सो ventrally flattened organism दीज आर डोर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी और ऑर्गेनिज्म इसी के कारण हम इनको क्या बोलते हैं फ्लैट चलिए अब यहां पे, पे प्लेटी से तो आता है फ्लैट और हेलमिथीस से आता है वॉम क्लियर तो नेचुरल सी बात है कि हम ऐसे वॉर्म्स की स्टडी करते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स में डिजीज कॉज करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स में डिजीज कॉज करते मतलब ये पैरासाइट की तरह हैं, दूसरे की बॉडी में रहते हैं उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं और उसी को ही नुकसान पहुंचा देते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं पैरासाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स और, और पैरासाइट सो so, ऐसे वॉम्स की स्टडी को हम बोलते हैं हेलमिंथोलॉजी सो हेलमिंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वॉम्स कॉजिंग पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन मतलब ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं और वहाँ पे रहने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं और बीमारी फैलाते हैं सो दिस इज नोन एज पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन सो स्टडी ऑफ वॉर्म इज नोन एज हेलमिंथोलॉजी क्लियर तो जब हम एस हेलमेंथीज पढ़ेंगे वहां पे भी सेम uh, वर्ड uh, हम देख सकते हैं कि वहां पे भी हेलमिंथीज वर्ड आ रहा है वहां पे भी अप्लाई होगी स्टडी ऑफ इज ऑर्गेनिजम्स आर डॉसो वेंटली फ्लैट एंड ऑर्गेनिजम्स ये हमें प्लेनेरिया दिखाई दे रहा है क्लियर तो प्लेनेरिया आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा बिल्कुल चपटा ऑर्गेनिज्म होता है ओके दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट एंडोपेरासाइड का मतलब क्या है ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके रहते हैं मतलब जैसे मान लीजिए हम हमारी इंटस्टीन की बात करें मान लीजिए हम हमारी इंटस्टीन की बात करें ये हमारी इंटस्टीन है और राइट right. अब इस इंटस्टीन में बेसिकली ये है स्मॉल इंटस्टीन यहां पे कोई वॉर्म आके रह रहा है इसका मतलब हमारी इंटस्टीन को इसने अपना घर बना लिया क्लियर तो हमारी बॉडी इसके लिए कैसी हो गई होस्ट की तरह हो गई हम होस्ट हो गए और ये हमारी बॉडी के लिए पैरासाइट हो गया इसका मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है सो so, ये ज्यादातर कैसे होते हैं एंडो पैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कुछ ऐसे भी हैं जो ह्यूमन बींग्स में एंडो पैरासाइट की तरह होते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासाइट की तरह नहीं है फ्री लिविंग है कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासाइट नहीं है फ्री लिविंग है तो ऐसे में कॉमन एग्जाम्पल है प्लेनेरिया इज फ्री लिविंग फ्री लिविंग का मतलब है कि ये किसी पे डिपेंड होके अपना न्यूट्रिशन नहीं लेता है ये पैरासाइट नहीं है ये होस्ट से अपना न्यूट्रिशन नहीं लेता है क्लियर सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा हेलमिंथोलॉजी स्टडी ऑफ इजेशन ये बात आ गई इम्पोर्टेंट जो इससे पहले वाले फाइलम में देखने को नहीं मिली सबसे पहला ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है प्लेटी हेलमिन थी सबसे पहले ट्रिप्लो प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं प्लेटी सबसे पहले बाइलेट्रल सिमेट्री देखने को कहाँ मिलती है प्लेटी है सबसे पहले बायोलेट्रल सिमेट्री देखने को मिलती है प्लेटी में सो तो यहाँ पे तीन खास बात और ये तीनों बातें इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि बच्चों जहाँ पे भी डाइवर्सिटी में बदलाव है वो बदलाव बहुत ज़रूरी है तो बदलाव कहाँ से आया इससे पहले हमने क्या देखा रेडियल सिमेट्री थी

These are पे कोई बदलाव नहीं दीज आर एनिमल यहां पर किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है इन बिटवीन वेरियस ऑर्गन अजोडर्मल टिश्यू कॉल्ड मीजनकाइव और पैरनकाइन इज प्रेजेंट ये इंपॉर्टेंट बात आ गई यहां पर मान लीजिए प्लेनेरिया को हमने बीच में से कट किया और इसको एनलार्ज करके हमने देखा बहुत ध्यान से समझना इसको एनलार्ज करके हमने देखा तो यहाँ पे हमें नेचुरल सी बात है यहाँ पे दिखाई देगी एक्टोडम यहाँ दिखाई देगी मीजोडम यहाँ दिखाई देगी एंडोडम तीनों जर्म लेयर दिखाई दे रही है दैट्स वाई दे आर ट्रिप्लो अब खास बात क्या है ट्रिप्लो तो है बट ए है मतलब इनमें मीजोडम तो दिखाई दे रही है बट यहाँ पे जो मीजोडम है बॉडी कैविटी को लाइन नहीं कर रही है बॉडी कैविटी को लाइन नहीं कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे टिश्यू फिल्ड रीजन है कौन बना रहा है मिजोडम बना रहा है यहां पे बॉडी कवरिंग कौन बना रहा है एक्टोडम बना रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंडोडम बना रहा है एक्टोडम बॉडी कवरिंग एंडोडम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बीच वाला रीजन और यहां पे जो बीच वाली मिजोडम है ये टिश्यू फिल्ड रीजन और यहीं पे प्रेजेंट होती है इमा और पेरनकाइमा सो इन बिट्वीन वेरियस ऑर्गन सॉलिड मिजोटर्मल टिश्यू कॉल्ड मिजोटाइम मिजनकाइम और पेरनकाइम इज प्रेसेंट लोकोमोशन इन ऑर्गेनिजम में नहीं होता लोकोमोशन इज एबसेंट बट इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि ये पैरासाइट की तरह हैं तो जब भी ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जाएंगे जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में आ गए ये इंटेस्टाइन में आ गए क्लियर तो अब क्या होगा या किसी भी जगह इन्होंने अपना घर बना लिया क्लियर तो जब भी ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो एंटर करके ये क्या करते हैं ये अपनी पकड़ बनाते हैं ये अपनी पकड़ बनाते हैं तो पकड़ बनाने के लिए इनके पास हुक्स होते हैं पकड़ बनाने के लिए इनके पास क्या होते हैं हुक्स होते हैं क्लियर और होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए इनके पास, होते हैं। तो इनके पास होते हैं। नहीं कर सकते जगह अपना न्यूट्रिशन लेते हैं पहले होस्ट की ग्रिप बनाते हैं ग्रिप बनाने के लिए इनके पास हुक्स हैं और सक्कर से ही अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं सो लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट इन दीज एडिव ऑर्गन्स लाइक एंड एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म ये इंपॉर्टेंट बात है क्लियर पैरासाइटिक फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे येलो वाला पार्ट है हुक येलो वाला पार्ट क्या है हुक और इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट है सक्कर है और ये टीनिया सोलियम है सो दे एंड सक्कर ये होते हैं केवल पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं किसमें होते हैं किस है? केवल पैरासाइटिक मतलब जो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है केवल उसमें होते, है। तो होते, है? होते हैं क्लियर तो पैरासाइटिको बस्ट ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दे आर ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन नहीं होता बट इनके पास हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं क्लियर बॉडी वॉल ये खास फीचर और देखने को मिलता है अब यहां पे क्या होता है कि बॉडी वॉल में मान लीजिए ये इनकी बॉडी वॉल है मान लीजिए ये प्लेनेरिया है क्लियर अब प्लेनेरिया की बॉडी वॉल का अगर हम सेक्शन देखें तो कौन कौन सी लेयर होती है सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस एपिडर्मिस बेसिकली वो लेयर होती है जो क्यूटिकल क्रिएट करती है एपिडर्मिस क्यूटिकल सिक्रीट करती है ये क्यूटिकल जो है ये आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट होता है ये क्यूटिकल मान लीजिए सबसे बाहर आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट है और ये क्यूटिकल बनाता है क्या बनाता है टेग्यूमेंट क्या बनाता है ये टेग्यूमेंट क्यूटिकल क्या बनाता है टेग्यूमेंट अब ये जो टेग्यूमेंट है ये क्या करता है इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बचाता है जब ये एंडोपैरासाइट होते हैं ये एंडोपैरासाइट होते हैं मान लीजिए ये किसी ऑर्गेनिज्म की गट में है गट में ये किसी पर्टिकुलर जगह है अब नेचुरल सी बात है किसी ऑर्गेनिज्म की गट में है एक जगह गट में प्रेजेंट है तो नेचुरल सी बात है उस ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम वॉर्म को क्या करेंगे डाइजेस्ट कर देंगे तो यहां पे जो क्यूटिकल होता है ये टेग्यूमेंट जो होता है ये क्या करता है होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से इस ऑर्गेनिज्म को बचाता है क्लियर इसी के साथ साथ अगर हम देखें ये क्यूटिकल कौन से क्रिएट करता है तो एपिडर्मिस क्रीट करती है मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं तीन टाइप की मसल है लॉन्गिट्यूडनल सर्क्यूलर एंड ओब्लिक अब इस बात को ये ऐसे समझो मान लीजिए सबसे पहले बॉडी वॉल के बारे में बात करते हैं तो ये मान लीजिए एपिडर्मिस है मान लीजिए एपिडर्मिस है क्लियर है एपिडर्मिस सिक्रीट करती है एपिडर्मिस सिक्रीट करती है क्यूटिकल एपिडर्मिस ने सिक्रीट किया क्यूटिकल और यहां पे एक लेयर बन गई जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं टैग्यूमेंट तो ये क्या है टैग्यूमेंट ये क्या है एपीडरमिस क्लियर और ये जो वैक्सी लेयर बनी है इसी को हम क्या बोलते हैं क्यूटिकल इसका मतलब एपिडर्मिस क्यूटिकल को बना रही है सिक्रीट कर रही है अब यहां पे टेग्यूमेंट क्या होता है मतलब इस तरीके से एक लेयर बन गई एक कोटिंग हो गई और ये कोटिंग इनके पर जब हो जाती है तो ये कोटिंग इनको किससे बचाती है डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाती है होस्ट के क्लियर इसी के साथ साथ यहाँ पे अब डिफरेंट डिफरेंट मसल्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल है यहां पे लॉन्गिट्यूडनल मसल है सर्कुलर मसल है मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है मसल लेयर आ गई यहाँ पे क्या आ गई मसल लेयर आ गई क्लियर तो इस तरीके से बनती है इनकी बॉडी वॉल क्या बनती है इनकी बॉडी वॉल क्यूटिकल And types of कौन कौन से मसल्स हैं यहाँ पे मसल है लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल कौन कौन सी मसल है लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल्स क्लियर पढ़ लेते हैं कभी -कभी होती है, ध्यान रखना वर्ड्स पे बहुत फोकस करना है

कैसा है? क्या में है? या है? एक ही ओपनिंग है केवल माउथ ही है या माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है आगे डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्लीट चलिए यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट

जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हैं एक्सेप्ट फ्यू या एक्सेप्ट टेप डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है केवल माउथ प्रेजेंट है केवल क्या प्रेजेंट है माउथ प्रेजेंट है क्लियर अब एक ध्यान रखने वाली बात है कि केवल अगर माउथ प्रेजेंट है तो मतलब एक ही ओपनिंग है जहां पे एक ओपनिंग होती है दैट प्लान इज नोन एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ये तो बात क्लियर है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है अब ध्यान से बात समझें कि अगर इन एनिमल्स को अपना न्यूट्रिशन लेना होगा तो ये कैसे लेंगे अगर इन ऑर्गेनिजम्स को अपना न्यूट्रिशन लेना होगा तो ये होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेंगे होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेंगे लाइक एब्जॉर्ब अब्स, करके एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन लेंगे तो ध्यान से समझना एक बात फूड इज इधर इंजेस्टेड बाई माउथ या तो ये माउथ से फूड इंजेस्ट कर लेंगे अब माउथ से फूड फूड इंजेस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि ये पैरासाइट है होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं तो जब ये होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं सो दे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली ये डायरेक्टली होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेंगे अच्छा न्यूट्रिशन लेने के लिए इनके पास कोई खास चीज नहीं है जर्नल बॉडी जो सरफेस है इनके पास इनकी जो जर्नल बॉडी सरफेस है जर्नल बॉडी सरफेस इसी जनरल बॉडी सरफेस से ये अपना न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे होस्ट से जीवन जीने के लिए अपना खाना होस्ट से ले लेंगे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में एब्सॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे क्लियर सो ध्यान से देखें या तो खाना खाया जाएगा इंजेस्ट किया जाएगा अगर ये पैरासाइट नहीं है तो अगर ये पैरासाइट हैं, तो एब्जॉर्व मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा मतलब ये कैसा लेंगे अपना खाना एब्जॉर्ब करके लेंगे किससे लेंगे अपना खाना एब्जॉर्ब करके होस्ट से होस्ट से जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके ले लेंगे क्लियर टू देयर बॉडी सरफेस एग्जाम्पल टेप वॉम एग्जाम्पल टेप वॉम क्लियर

तो ये सारा काम किससे करते हैं ये जर्नल बॉडी जर्नल बॉडी सरफेस से क्योंकि आप देखें अगर ध्यान से तो इनके पास कैसा ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सिस्टम नहीं है तो अगर सिस्टम नहीं है तो कैसे पॉसिबल होगा कि पे स्केलेटल सिस्टम हो कैसे पॉसिबल होगा यहाँ पे रेस्पायरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम हो तो तीनों सिस्टम नहीं रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं, नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है एंड स्कैल्टर सिस्टम एबसेंट है ना वॉट अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा एक बात और ध्यान से समझे जब हम रेस्पायरेटरी uh, सिस्टम या रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सिस्टम तो इनके पास नहीं है बट अगर इन्हें रेस्पायर करना है तो दो तरीके से ही रेस्पायर करते हैं अगर मान लीजिए ये फ्री लिविंग है प्लेनेरिया की तरह फ्री लिविंग है ये प्लेनेरिया की तरह फ्री लिविंग है तो इनमें जो रेस्पिरेशन होगा यानी कि गैसियस एक्सचेंज जो इनमें होगा वो किससे होगा इनमें गैसियस एक्सचेंज होगा जर्नल बॉडी सरफेस से कैसे होगा इनमें गैसियस एक्सचेंज जर्नल बॉडी सरफेस से बट मान लीजिए ये पैरासाइट है होस्ट की बॉडी में जाके रहने लगे हैं तो कैसे रेस्पायर करेंगे तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए ये अलग मोड फॉलो uh, करेंगे दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन सो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे फाउंड इन इंटरनल पैरासाइट लाइक टीनिया अगर ये इंटरनल पैरासाइट हैं तो ये एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे क्यों क्योंकि ये होस्ट की बॉडी में एज अ पैरासाइट रह रहे हैं क्लियर सो रेस्पिरेशन या तो जनरल बॉडी सरफेस से अगर ये पैरासाइट हैं तो एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सक्रीशन का क्या होगा तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशलाइज ऑर्गन है एंड दिस ऑर्गन इज नोन एज प्रोटो नेफ्रीडिया और इन प्रोटोनेफ्रीडियाज में इन प्रोटोनेफ्रीडियाज में सेल्स मौजूद हैं एंड दीज सेल्स आर नोन एज फ्लेम सेल्स अच्छा जब भी एक्सक्रीशन की बात आएगी तो केवल एक्सक्रीशन नहीं होगा ऑस्मो रेगुलेशन भी होगा आयनिक और पीएच बैलेंस भी मेंटेन किया जाएगा सो इन ऑर्गेनिज्म में आयनिक पीएच बैलेंस मेंटेन करने के लिए कौन है फ्लेम सेल्स हैं क्लियर तो यहां पे ऑर्गन अगर पूछा जाए आपसे तो थीज में ऑर्गन क्या है प्रोटोनेफ्रिडिया और प्रोटोनेफ्रिडिया में अगर एक सिंगल यूनिट की बात की जाएगी तो क्या है फ्लेम सेल्स क्लियर चलिए अब ये फ्लेम सेल्स क्या कर रही हैं ये वेस्ट मटेरियल को निकाल रही है मतलब एक्सक्रीशन कर रही हैं वाटर और सॉल्ट का बैलेंस कर रही हैं मतलब ऑस्मो कर रही है ऑस्मो कर रही हैं ऑस्मो कर रही हैं फ्लेम सेल्स का एक और नाम है सोलेनोसाइट्स सोलेनोसाइट्स इनको solenocytes भी बोला जाता है सो एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ हैविंग फ्लेम सेल्स एंड दिस पर्टिकुलर सेल हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन नेक्स्ट नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक नर्वस सिस्टम कैसा है इनका लेडर जैसा है लेडर जैसा कैसे है एक तो नर्व रिंग है नर्व रिंग के साथ नर्व कॉर्ड जारी है और नर्व कॉर्ड के साथ साथ यहां पे क्या है पेरिफेरल नर्व्स है सो नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक क्लियर कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग ये नर्व रिंग कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग इसी के साथ साथ नर्व कॉर्ड एक ये नर्व कॉर्ड है और एक ये नर्व कॉर्ड है नर्व कॉर्ड लॉन्गिट्यूडन मतलब लंबी नर्व कॉर्ड है और इसी के साथ साथ ये नर्व्स हैं इसी के साथ साथ ये नर्वस है तो इनका नर्वस सिस्टम कैसा दिख रहा है नर्व रिंग लॉन्गिट्यूडल नर्व कॉर्ड एंड नर्व्स। तो ऐसा लगता है जैसे लेडर लाइक -like, मतलब सीढ़ियों जैसा इनका नर्वस सिस्टम दिखाई देता है नर्वस सिस्टम एक्चुअली लेडर लाइक है सिस्टम तो नहीं है इनमें अंदर बहुत ज्यादा डेवलप्ड बट इस तरीके से एक नेटवर्क जो बनता है वो एक सिस्टम की अपियरेंस देता है रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है मतलब क्या है बाइसेक्शुअल है मतलब क्या है हर मेफ्रोडाइट है क्लियर सो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट बाईसेक्सुअल हर मेफ्रोडाइट वेरी इंपॉर्टेंट मोनोशियस मोनो का मतलब वन ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सच ऑर्गेनिज्मिज्म नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड ध्यान से समझना रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स है एंड वेल डेवलप्ड है क्लियर कि इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट भी है और वेल well डेवलप्ड भी है क्लियर अब यहां पे अगर हम देखें ये ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म का वो पार्ट यहां पे सेक्शन में लिया गया है जो मेच्योर पार्ट है तो इसको बोला जाता है प्रो ग्लॉटेड क्या बोला जाता है इसको प्रो ग्लॉटेड क्लियर अच्छा इस प्रोगेड को देखें, मतलब इस एरिया को देखें मान लीजिए इस एरिया को देखें तो इस एरिया में हमें क्या दिखेगा ये बाई है तो यहां पे हमें ओवेरी भी दिखाई देगी और टेस्टिस भी दिखाई देगा सो so, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ब्रांच जो स्ट्रक्चर है, हैं ये है टेस्टिस और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दीज आर ओवेरिस तो इसका मतलब ये क्या है दीज आर बाई सेक्शुअल ऑर्गेनिज्म मोनोशियस हर मेफ्रोडाइट कौन नहीं होता सिखिस्टोसोमा नहीं होता है क्लियर तो ये बात आपको याद रखनी है कि कौन होते हैं कौन नहीं होते अब इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं चलिए फर्टिलाइजेशन कैसा एक बात और देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल है मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है या तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं मतलब यहाँ पे क्या है टेस्टिस रिलीज रिलीज करेगा और ओवा करेगी तो एक ही ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा दैट इज सेल्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी फर्टिलाइज कर सकते हैं तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है किस तरह का है तो डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब एक लार्वल स्टेज ना यह बहुत सारी लार्वल स्टेज है एक लार्वल स्टेज ना होके बहुत सारी लार्वल स्टेज है एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है प्लेनेरिया प्लेनेरिया यह सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सो यहां पर इन प्लेनेरिया की बॉडी को अगर हम काट दे मान लीजिए यहाँ पे एक्सीडेंटली इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी यहाँ से कट जाती यहाँ से कट जाती है तो इनके पास रीजनरेशन की एबिलिटी है ये एक छोटे से हिस्से से अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर देते हैं सो दे हैव हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन सो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी इनके पास है आपको ये पता होना चाहिए कि रीजनरेशन किसकी वजह से होता है रीजनरेशन इज बिकॉज ऑफ द सेल्स एंड दी सेल्स आर नोन एज स्टेम सेल्स जिनमें प्रोलिफ्रेशन करने की कैपेबिलिटी होती है तो इन ऑर्गेनिज्म के पास हाई रीजनरेशन पार है ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं नॉक्ट्रूनल हैं कैनिबलिक हैं स्लो क्रीपिंग एंड ऑमनी वोडस हैं मतलब रात को निकलते हैं क्लियर रात को निकलने वाले हैं आ, फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं बहुत ही धीरे चलने वाले हैं दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेने वाले हैं और दोनों टाइप के मतलब ये एनिमल एज अ फूड और प्लांट एज अ फूड को ऑप्टेन करते हैं फ्ररिंग्स कैन बी एवर्टेड यहां पर फेरिंग्स जो है वो एवर्टेड कंडीशन में देखा जाता है चलिए एग्जाम्पल फैसियोला हिपैटिका यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है फैसियोला हिपैटिका लीवर फ्लूक लीवर फ्लूक कॉमनली इसको लीवर फ्लूक बोला जाता है स्ट्रक्चर एनसीआरटी में इस तरीके का दिया हुआ है ध्यान रखना है इट कॉज लीवर रॉट और सिरोसिस डिजीज इन शीप ये लीवर सिरोसिस करता है क्लियर लीवर रॉट या लीवर सिरोसिस डिजीज कॉज करता है शीप में नेक्स्ट है टीनियाम पॉर्क टेप वॉर्म इसको टेप वॉम या पॉर्क टेप वॉर्म बोलते हैं इन ह्यूमन इट कॉजेज द डिजीज टीनियासिस, ह्यूमंस में ये कौन सी डिजीज कॉस करता है टीनियासिस या सिस्टिस सो so आपको याद रखना है टीनिया से कौन सी डिजीज हो रही है टीनियासिस याद रहेगा अच्छा ये कैसे होती है ये कच्चा सुअर का मांस खाने से अनकुक्ड फूड या yeah, पार्शलिक जो पॉर्क है उसको खाने से यह पर्टिकुलर वॉर्म जो है ह्यूमन बॉडी में चला जाता है और डिजीज कॉज करता है कौन सा डिजीज सोलियम कॉज टीनियास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है ब्लड फ्लूक ब्लड फ्लूक क्लियर सेक्स्टोसोमा स्टोसोमा इज ब्लड फ्लूक ये भी पर्टिकुलर फ्लूक है जो बॉडी में एज अ बेसिकली रहता है और डिजीज कॉज करता है तो यहाँ पे हमने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के साथ साथ हमने प्लानेरिया के साथ साथ अदर ऑर्गेनिजम या फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस के क्या समझे हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझा तो यहाँ पे खत्म होता है फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस कैसे बंद होगा तो बंद करना नहीं आता क्या यार